जरा सुनिए। अभिषेक ने जैसे बैटिंग की है और क्या कमाल की बैटिंग, उसी इंटेंट के साथ डेंजरस बैट्समैन है, जितना लंबा खेलता जाएगा स्कोर बोर्ड जैसे जैसे चलता जाएगा उससे ज्यादा मोमेंटम पकड़ता जाएगा, क्योंकि ऐसा एग्रेसिव बैट्समैन है, पॉजिटिव बैटिंग, और जैसा स्टार्ट चाहिए एज ए ओपनर वैसा ही स्टार्ट दिया। एक शर्मा जी के बेटे चले गए तो दूसरे शर्मा जी के बेटे आ गए। वाह भाई वाह। अभिषेक शर्मा ने जो बैटिंग की ना भाई साहब, देखने के बाद में ना गार्डन हो रहा है। आईपीएल के आगे क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे, स्टैंडर्ड क्वालिटी, फट्टा विकेट, फलाना टिमकाना, सबसे ज्यादा तो पहला वो भी अभिषेक शर्मा। तो अभिषेक शर्मा ने जनाब कल की जीरो का बदला अपने 100 रन करके लिया, डेवस्टेटिंग नॉक, छक्के अगले ने मारे हैं भाई साहब, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना सुचल, आखिर नेक्स्ट लेवल। कि अगर रोहित शर्मा चले गए तो अभिषेक शर्मा ने एंट्री मारी है यहाँ पर, ऐसे नहीं चलेगा। कल तक जो जिम्बाब्वे को अपना बाप बना के बैठे थे ना, आज मुंह छिपाते फिर रहे हैं। जो भारत का जोकर मीडिया है वो जिम्बाब्वे के साथ जो भारत की T20 सीरीज शुरू होनी थी उससे पहले ये कह रहा था कि जनाब भारत को ये सीरीज खेलने की क्या जरूरत है, हम वर्ल्ड चैंपियन हैं और हमारे पास ऐसे तगड़े लड़के हैं और आईपीएल के अंदर परफॉर्मेंस देने वाले बड़े बड़े नाम हैं, कि ये जब जिम्बाब्वे का सामना करेंगे तो जिम्बाब्वे की जो धोती है वो खोलकर रख देंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर, और कुदरत ने फिर आज वो बदला आलमी चैंपियन से लिया है कि जो भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट शायकीन सोच भी नहीं सकते। अच्छा, क्रिकेट से जुड़ी ये बड़ी खबर, टोटली जो वन साइड गेम जीती और जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे की तरह डील किया है। दूसरी T20 मुकाबले में भारत की शानदार जीत हुई है, जिम्बाब्वे को 100 रनों से हराया। क्या प्रोडिजियसली टैलेंटेड, अमेजिंग, स्पेक्टेकुलर, ब्रिलियंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो है अभिषेक शर्मा, अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक। लेकिन इसमें जो सबसे नुमाया है ना वो अभिषेक शर्मा है, सिक्सेस के लिहाज से। अब इंडियन बैटिंग ये है आपके साथ, बंदा आया और छा गया, और जिस तरह से जो है अभिषेक शर्मा ने 100 रन किए, 8 छक्के और 7 चौके मारे, और 100 की सेंचुरी उसने जो है T20 वर्ल्ड कप के अंदर कम्प्लीट की, और बंदे ने बनाया 46 गेंदों पे 100 रन 8 छक्कों के साथ। सुनते जाइए, 212 का स्ट्राइक रेट, वो भी यंग टैलेंट। सुनते जाइए, दूसरे T20 मैच। सुनते जाइए, कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया। ये रिकॉर्ड तो न रोहित शर्मा ने बनाया ना विराट कोहली ने, तो ये जो अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा, ये कॉपी तो नहीं निकल के आ रही। बिल्कुल ऐसी है। और दूसरी तरफ आप देख लें, अभिषेक शर्मा की तारीफ में लोग इतने खो गए कि रिंकू सिंह के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। भाई उसने भी जो बैटिंग की ना, जो मास्टर क्लास बैटिंग की है, मजा आ गया। और साथ निभाया रिंकू सिंह ने, ओ माय गॉड, व्हाट अ पटाखा, रिंकू सिंह इज अ बिग पटाखा, छोटी कुड़िया में बड़ा पटाखा, और ये तो मेरा फेवरेट है भाई। मैं ठीक है, आज इसने जवाब दिया है कि मुझे वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया तो कोई मसला नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ क्रिकेट। भाई ने 22 गेंदों पे 48 रन ठोक दिए है, कल का पूरा बदला निकाला इन जिम्बाब्वे से, जिम्बाब्वे आधा। पता नहीं क्यों जिम्बाब्वे तो निकलता नहीं है मुंह से, जिम्बाब्वे ही निकलता। टोटली जो वन साइड गेम जीती और जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे की तरह डील किया है। कल भारतीय बैटिंग नहीं चल पाई, कल बुरी तरीके से हारी जिम्बाब्वे से, और जिम्बाब्वे को क्रेडिट बनता है क्योंकि जिम्बाब्वे कल अच्छा खेला था। सही बात है यार। और जैसे भारत आ रहा और जिम्बाब्वे जीता, इन पाकिस्तानियों को खुशी के कोई ठिकाने नहीं है भैया, आतिशबाजी कर दी थी कल इन्होंने, आज इन्हीं पाकिस्तानियों के मुंह लटके हुए हैं और हिंदुस्तान के नव युवकों की तारीफ करने को मजबूर हो रहे हैं। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। ठीक है जी। आज जो है खेला गया, दैट वाज आप कह सकते हैं कि जो उसका बैक एंड मैसेज था, दैट वाज मच डीपर इस लिहाज से कि क्या प्रोडिजियसली टैलेंटेड, अमेजिंग, स्पेक्टेकुलर, ब्रिलियंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो है अभिषेक शर्मा, अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक, और जिसे रूथलेसली स्ले किया, दे मर्डर्ड एट द बैकयार्ड, आप ये कह सकते हैं। And this has just been amazing. Abhishek Sharma ne jo aaj kar diya. And nothing much more to say. Let's get to Rashid Latif. 28 gendon pe 75 ek bachcha karta hai, 8 chakke lagata hai, 267 strike rate. Paaji, a style technique method zara udhar nahi milega. Amazing yaar. Rashid bhai, itna zara pool phenke, you pool phenke. Thoda heavy weight ban ke samne aayi hai. एक होता है आज जो मुकाबला हुआ, लाइट वेट और हैवी वेट का मुकाबला लगा, जिन टीम की बॉलिंग तगड़ी है, बैटिंग भी अच्छी है, तो वो नजर आ रहा है। और आज का जो मुकाबला था बहुत अहम था, यार दहशत थी आज ना, ये बॉलिंग और बैटिंग याली हो जो कि बर्दाश्त नहीं करती किसी की बॉलिंग को, कूद देते हैं वो लोग। लेकिन एक छक्का जो मार रहे हैं वो 12 बॉल ले रहे हैं विराट कोहली, ये जो ले रहे हैं
ये 5.8 ले रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे नुमाया है ना वो अभिषेक शर्मा है सिक्सेस के लिहाज से। अब इंडियन बैटिंग ये है आपके सामने, तो आपको यहाँ पे स्ट्राइक रेट भी नजर आ रहा है, बॉल पर सिक्स भी नजर आ रहे हैं आपको, बाउंड्री रेशियो भी नजर आ रहा है, तो ये इंडिया की जो नेक्स्ट टीम आपको इन्हीं तीनों में बनी हुई नजर आ रही है, T20 की इसमें बन गई है टीम, इसी के अंदर बनी हुई है इनकी। सिर्फ बैटिंग की अगर बात करते हैं, अभिषेक शर्मा को डिफाइन करें, उनका बैलेंस, बैट स्पीड, उनकी आई पिक करना, क्या क्या चीज क्या है। मैं तो यार आई बिकम अ फैन ऑफ दिस हैंडसम यंग बैट्समैन यार, क्या कहते हैं, जिस तरह T20 खेलना चाहिए और उसी तरह से खेलते हैं। और स्पिनर्स को आज तो खैर उन्होंने बॉल गिरने नहीं दी ज्यादातर, छक्कों की टेंडेंसी ज्यादा है इनकी, अच्छी पिकअप अच्छा है, और शायद ट्रेवर्स हेड के साथ खेल के और कॉन्फिडेंस आ गया बहुत ही, इनको भी शायद फर्क पड़ा है उनके साथ खेलने का, ये ज्यादा मैच्योर नजर आ रहे हैं। अभिषेक को 80% मार लगती है, तो अभिषेक बहुत हलचल मजा देने वाला प्लेयर है, बहुत ही मतलब के स्पेशली उसने सबको दिखाया अपने गेम, तो कांग्रेचुलेशन भाई, कांग्रेचुलेशन। ये रियल मायनों में जो है डोमिनेशन दिखाई है, जिम्बाब्वे का बड़ा क्राउड आया हुआ था, क्राउड बड़ा भरा हुआ था, उन्हें लग रहा था कि शायद वर्ल्ड चैंपियंस को आज हम दोबारा बीट करेंगे और एक बार फिर जो है जिम्बाब्वे अपना जो है एक हॉर्न बजाएगा, एक अपना टंटना जो है बजाएगा और वर्ल्ड को बताएगा कि जिम्बाब्वे जो है वो अराइव्ड हो चुका है, जिम्बाब्वे ने जो है वो आप कह लेंगे हरा दिया है। लेकिन ऐसा कुछ इंडिया ने आज नहीं होने दिया और बड़े ही स्वीट विक्ट्री जो है वो इंडिया ने ली है, ना सिर्फ ली है बल्कि शर्मा ने शर्मा को रिप्लेस कर दिया, रोहित शर्मा की जगह आप लेंगे अभिषेक शर्मा, क्या ही बात है उनकी, आज उन्होंने क्या कमाल किस्म की हिटिंग की, क्या कमाल किस्म के उन्हें छक्के मारे, इवन कोई भी ऐसा एक बैट्समैन मौजूद नहीं था आज जिम्बाब्वे की पूरी टीम में जो कि अभिषेक शर्मा की तरह कुछ जरा बहुत भी हिटिंग कर दिखाता। नॉर्मली ये कोई बेनेट आए थे, इन्होंने 9 बॉलों पे 26 रन जरूर मारा, 3 छक्के इन्होंने मारे, लेकिन फिर अभिषेक शर्मा जो है वो अभिषेक शर्मा ही था। फिर मुकेश कुमार ने आज ऊपर से 3 विकेट लेकर दी, अवेश खान ने जो है 3 विकेट लेकर दी, लेकिन मैं जिसको मानता हूं और मुझे जिसको लगता है कि ये अब कह लें के फ्यूचर का एक बहुत ही तगड़ा बॉलर है, मैं मानता हूँ सिर्फ और सिर्फ बिश्नोई को, बिश्नोई जो तगड़ा बॉलर है, मुझे लगता है कि इंडिया पता नहीं इसको क्यों इंटरनेशनल से जो है इतना दूर रखे हुए और क्यों इसको मेन टीम में इतनी ज्यादा एंट्री नहीं देता। मैं कहता हूँ कि क्या ही कमाल किस्म का जो है इसका बॉल स्विंग होता है, मजा आ जाता है इसका बॉल जो है देखकर, नेक्स्ट लेवल बॉल जो है ये बंदा करता है भाई, कमाल है। आज 100 रन की जीत और यंग इंडियन टीम ने जिस तरह से जिम्बाब्वे को हराया है ये बड़ी जीत है। 100 रन से आप अगर आपकी एक यंग लॉट, आपकी एक बेंच स्ट्रेंथ ओपन एंड को टोटली डिस्ट्रॉय कर दे। अभिषेक शर्मा का 100 रन, ऋतुराज गायकवाड़ की पारी जिस तरह की थी, रिंकू सिंह ने जैसे खेला, और सबसे बड़ी अली जो आज के मैच की खूबसूरती थी इस यंग इंडिया की, ये एग्रेसिव खेले हैं। कल हमने बात की थी और देखो हम बात ये करते हैं, हम ये नहीं करते कि जी हम तारीफ करें, जो होता है हकीकत हम बताते हैं। कल इंडिया की ये यंग टीम ने गलतियां की थी और हारी थी, और कल हमने खुल के बात की कि इंडिया ने क्या क्या मिस्टेक्स की, विकेट्स थ्रो करके जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दिन 24 घंटे भी नहीं गुजरे, लेकिन आप देखो कि इनकी अप्रोच चेंज नहीं हुई और उन्होंने फैसला किया कि हम एग्रेसिव खेलेंगे, हम अटैक करेंगे जिम्बाब्वे टीम को, ये छोटी टीम है, ये मिनो टीम है, और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया। अब भारत का तीसरा T20 आई 10 तारीख को खेला जाएगा, आई होप, उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आज जिम्बाब्वे को रगड़ा उस मैच में भी रगड़ देना भाई, लाज रख लेना, तुम भारतीय हो, हिंदुस्तानी शेर हो, तुम्हारी दहाड़ से पूरा जिम्बाब्वे खाप जाना चाहिए, क्या बोलती है वो फिजा, लरज जाना चाहिए। वाह भाई वाह। अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।